अब जारी तौर पे तो ये स्नैचिंग वगैरह का केस लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या क्या पता चलता है। इंस्पेक्टर साहब, अब आप कुछ भी कर लें, मेरे रियान को तो वापस नहीं ला सकते ना। आप ठीक कह रहे हैं अमित साहब, अगर ये कोई साजिश है हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे, कातिल बचेगा नहीं। क्या आपके पोते के साथ कोई दुश्मनी थी किसी की? नहीं, वो तो सीधा साधा बच्चा था, अपने काम से काम रखने वाला, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती। हाँ, दोस्त बहुत थे उसके। ठीक है जी, आपके होने वाले दामाद का भी बयान ले लिया, उसका क्या नाम था? इबाद। इंस्पेक्टर साहब, वो इस घर का मुलाजिम था। अच्छा, लेकिन हमें तो बताया गया कि आपकी कजन की शादी हो रही थी उससे। गलत बताया आपको, हो रही थी, हुई नहीं थी। हमने मालूम करवा लिया है, शादी की तकरीब शुरू हो गई थी। आप बस हमें पिक्चर्स और वीडियोस भेज दें। इस केस का उससे क्या ताल्लुक है? ये फैसला तो हम करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, बस पिक्चर्स और वीडियोस भेज दें। आप फिक्र न करें इंस्पेक्टर साहब, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ अरसे पहले मिस्टर अनस की डेथ नहीं हुई थी इसी फैमिली में? उनकी अम्मी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, अगर आपको याद हो तो।